मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया आज थोड़ा वक्त लगा तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए आज मैं ब्राइट करने जा रही हूं। और सुबह के बज रहे हैं अप्रोक्स सात पौने सात के आस पास धुंध कोहरा इतना ज्यादा की पूछो मत अब मुझे कोई पास भी नहीं जाना है मेरे को जाना पार फ्रॉम पश्चिम विहार टू पार इज लाइक थर्टी किलोमीटर कम से कम मैं अपना बैग चेक करने लगी थी यार मैंने चार्जर रखा या नहीं लेकिन मैं अच्छी बच्ची हूँ मैंने चार्जर भी रखा था मैंने अपना पानी का बॉटल भी रखा था मैंने अपना पर्स भी रखा था और एक एडिशनल लैश भी रख ली थी अच्छा अब टाइम ऐसा है ना कि आप किसी के घर जाके ना पानी भी नहीं पी सकते हो मतलब मैं तो मास्क उतारना ही प्रेफर नहीं करती हूँ डबल मास्क ऑन रहता है हमेशा दिल्ली की सुबह कुछ अलग होती है एक तो बर्फीली है आजकल तो मेरे को नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि मैंने फटाफट शीशा खोला और पहले हवा अंदर डालने की जहमत करी फिर लगा नहीं नहीं भैया वापस चढ़ा लो ठंड बहुत है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक मैं आ चुकी थी उसके बाद में पास में घर था आंखें मेरी नींद से तर थी लेकिन काम तो करना है वरना मेरे बिल कौन पे करेगा मेरे कपड़ों के लत्तों के पैसे कौन देगा इतना खर्चा मेरा कौन उठाएगा करते करते मैं कैब से उतर गई फिर मैं सोचा जरा आपको दिखाऊँ ये माहौल हो रहा था आज मतलब इतनी ठंड सर्द फिर मैं अपना झोला उठा के चलती बनी लक्ष्मी नगर की गलियाँ एक तो सारी सेम ऊपर से ठंड एक बंदा ना बंदे की जात बंदा पूछ तो किससे क्या पूछे पर करते कराते मेरे खुद का डायरेक्शन सेंस बहुत ही बेकार है पर मैं करते कराते मैं पहुंच गई अपनी लोकेशन पे मतलब पहुंचने वाली ही थी कि मेरा सांस फूलने लग गया यार मास्क के साथ इतना वजन में वैनिटी उठाना ना बड़ा ही दिक्कत का काम है लेकिन ट्रस्ट में ये इतनी भारी है ना आपको दिखने में बैग छोटा लगेगा फिर एक ऐसा गलियारा सा आया जहाँ मेरी ना हालत थोड़ी टाइट हुई क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं था ऊपर से ठंड ऊपर से कुत्ते ही कुत्ते थे आगे जो मुझे आवाज़ आ रही थी कहीं ना कहीं से भोंकने की मैंने तो बस बाबा जी का नाम लिया मैं चल दी जब मैं पहुँची तो भैया चार मंजिल चढ़ना है मुझे वैनिटी लेकर तो मैंने अपनी वैनिटी उठाई बाबा जी बाबा जी करते हुए चढ़ना शुरू हुई दो पौड़ियाँ मतलब दो स्टेज जो है मंजिल तक तो, तो मैं चढ़ गई उसके बाद ना मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया और मेरा मास्क मतलब मैं हटा नहीं सकती ऊपर से इतना भारी है सामान की मेरे, तो है सांस। मेरे जैसे कुत्ता नहीं होता है कुत्ते से फूल जाती है ऐसी आवाज लगी थी को मेरे अंदर से। पर जैसे ना कैसे करके बाबा जी का नाम लेके मैं फाइनली चौथी मंजिल पे पहुंची और जाके मैंने ब्राइट से गुफ्तु स्टार्ट करी सुनिए क्या बात तो चल रही है और तुरंत हो गया था था लेट भी हो गया था। तुम्हारा सही रहा कल पूरा आ, बहुत बढ़िया सही नहीं बहुत मेकअप टिका चार पाँच देर अपनी तारीफें सुनने के बाद मैंने अपना फिर वैनटी खोला आज मॉर्निंग का ब्राइड है मेरा तो मैं चाहती थी बड़ा सटल सा करूं मेकअप तो मैंने बहुत न्यूट्रल पैलेट निकाली और लहंगे का कलर बड़ा ब्राइट था तो फिर मेरे को लगा नहीं यार ठीक है आज स्मोकी करेंगे बट कुछ कंट्रास्ट के साथ शी इज माई ब्राइड एंड इन्होंने लेंसेज पहने हुए थे ग्रीन जो इनका अमन था पहनने का अब डार्क सर्कल्स को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे ऑरेंज कलर का तो लगाना पड़ेगा तो मैंने दो पैलेट निकाल ली फॉर एवर फिफ्टी टू रिचा द वे फिर मुझे रिलाइज हुआ एली गर्ल से इस्तेमाल कर लेते हैं ये डार्क सर्कल थोड़े ज़िद्दी हैं सबसे पहले मैंने मेरा फेवरेट प्रोडक्ट लगाया लिक्विड हाईलाइटर और उसको लगाने के बाद आपको इफेक्ट दिखाती हूँ मैं क्यों इतना रिकमेंड करती हूँ आप इसका स्किन देख रहे हो ब्राइट का वो अभी से ही इतना शाइन कर रहा है और जब ये बेस के नीचे इतना शाइन कर रहा है तो आफ्टर फाउंडेशन तो एक माल ही कर देगा ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना शुरू करा याद रखना इस पूरे वीडियो में मैं ना फ्लैश में काम कर रही हूँ तो ये ना बहुत ज़्यादा वाइटिश भी दिख सकता है बहुत कास्ट भी दिख सकता है इसका बट ओरिजिनल मेकअप मैं नेचुरल लाइट का आपको लास्ट में दिखा दूंगी गर्दन में सबसे लास्ट में करती हूँ तो सिर्फ फाउंडेशन अभी मैं सिर्फ फेस पर लगा रही हूँ डैप डैप करके यहाँ मैंने हुडा ब्यूटी एंड मैक मिक्स किया था ताकि इनका स्किन टोन मैं बना सकूँ एंड आफ्टर ब्लेंडिंग आपको दिखेगा एक शाइन निकल कर आ रहा है फेस में से ये ग्लो ही एवरीथिंग होता है मॉर्निंग राइट्स के लिए ब्लेंड करने के बाद में मैंने कंटोर स्टार्ट किया तो कंटोर का भी ब्लेंड करना शुरू करा तो इनका फेस थोड़ा चाभी था तो मैंने इनको थोड़ा सा कंटोर अच्छा दिया था बिकॉज शी वॉन्टेड इट इनको चाहिए था अ वेल कंटोर फेस एंड आई मीन लिक्विड ब्लश के बगैर तो मॉर्निंग ब्राइट कभी पूरी नहीं हो सकती मेरी तो मैंने थोड़ा सा पिंकिश जो है वो टोन ले जाने के लिए ब्लश लगाया और साथ में पाउडर सेटिंग कर दिया पाउडर सेटिंग मैंने यहाँ पे यूज किया लारा मर्सी है एज आई सेड अर्ली अर्लियर की मुझे यहाँ पे एक न्यूड लुक चाहिए तो मैंने ब्राउन स्मोक करा है लेकिन इसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में मैंने इसमें हल्का सा पिंक जो है पिगमेंट लगाया था जो कि बहुत कमाल लग रहा था नेचुरल लाइट में इसमें तो बड़ा भद्दा सा दिख रहा है टाक सा एक्चुअल बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ हमारे हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो भी आ चुके हैं पता है मैंने कोशिश की कि मैं को दिखाऊँ कि लाइट बंद करके मेकअप कैसा लग रहा है बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मेरे को फ्लैश ऑन करना पड़ा एंड ह्यो माई ब्राइड इज रेडी शी इज़ लुकिंग ब्रेथ टेकिंग नहीं तो तुम्हें नहीं लग रहा मैं अपनी तारीफें झूठी नहीं कर रही हूँ देखो कितना नेचुरल लग रहा है ये लुक अभी न था नहीं बाकी एक हेयर मगर ये इतना खूबसूरत एकदम आउटस्टैंड कर रही थी ना कि ये बहुत टैकी भी नहीं लग रहा था और बहुत कम भी नहीं लग रहा था बहुत सटल था नेचुरल लाइट में देखना ये देखो कोई फिल्टर ऑन नहीं है कोई एडिटिंग ऑन नहीं है दैट्स अ रियल स्किन डार्क सर्कल्स गायब पिगमेंटेशन गायब बहुत सटल मेकअप ब्राइट ज्वेलरी नहीं थी सटल ज्वेलरी थी तो ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती थी होप यू गाइज लाइक द लुक एंड शी वॉज़ लुकिंग सो 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 डैम प्रिटी पिंक आइज न्यूड लिप्स एंड दैट साइड पासा चुन्नी भी मैंने पंजाबी स्टाइल से ड्रेप की थी बिकॉज इट्स अ सरदार वेडिंग सो एंड इट्स अ लव मैरिज तो कमाल तो होना ही था वापिस से झोला उठाया मैंने और चल दी मैं अपने घर की तरफ और इस दौरान मेरे को बड़ा दया आई मेरे शिबू सर पे इनकी एक टांग पे फ्रैक्चर आ रखा था फिर मैंने इनसे इनका बैग लिया और ये इतनी इज्जत करते हैं ना कि ये मुझे बैग नहीं दे रहे थे फिर मेरे को लगा यार क्या है ये बंदा चल बैग मैं पकड़ूंगी आज आज कैब में बैठ के रवानगी हुई तो मैंने अपना हाथ देखा और शुक्राना किया बाबा जी का कि शुक्र है कि भगवान आपने इतनी अच्छी लाइफ हमें अदा की है उसके बाद में मैं घर पहुंची मैंने सबसे पहले मास्क हटाया फिर सोचा आपको दिखाऊं असलियत इस टोपे के पीछे जो कि है कुछ कुछ ये क्या भला मैंने बहुत ज्यादा ऑयल लगाया था रात को और सुबह मुझे लगा था मैं धो तो पाऊंगी नहीं ना कर कोई जाऊंगी मैं सुबह सुबह आके ही नाऊंगी वही फिर मैं इस तेल को ढकने के लिए टोपा लगाया टोपा इतना गंदा मैंने इसलिए पहना था क्योंकि बाल इससे गंदा होना ही था होप यू गैस लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड